वक्फ बोर्ड में बदलाव का समय आ चुका है। काफी महीनों से आप सुन रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पास होने वाला है और वक्फ बोर्ड को लेकर जो है वो काफी ज्यादा चर्चाएं भी हो रही हैं। ऐसे में पूरे भारत की बात करें, आप जानते हैं कि पूरे भारत में जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर अलग अलग जगहें जो है वो आती है, लेकिन झारखंड रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि वक्फ बोर्ड में जो है वो मेजर बदलाव होने चाहिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पूरे भारत में लागू होना चाहिए। आज झारखंड रैली में गृह मंत्री अमित शाह यानी यूनियन मिनिस्टर अमित शाह की बात करते हैं, उन्होंने कह दिया कि कोई भी दुनिया की ताकत जो है वो हमें वक्फ बोर्ड में तरमीम करने से नहीं रोक सकती है और ना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू करने से रोक सकती है। आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफी देर से जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा चिंताओं में हैं, जिसे लेकर अगर मैं बात करूं अलग अलग लीडर्स के रिएक्शन भी आ चुके हैं, लेकिन इलेक्शन रैली में एक बार फिर से वक्फ बोर्ड के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है वो दोबारा से जो है आगाज हुआ उसके बारे में ये कहा गया, लेकिन अब आपको सुनना होगा कि पूरी तौर से फौरी तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज क्या क्या कहा और उन्होंने किस बात को लेकर जो है ये ताना कसा कि वक्फ बोर्ड ने जो है वो बहुत सारी जमीनें जो है वो ले ली है। अगर मैं वक्फ बोर्ड की बात करूं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, वक्फ बोर्ड की बात करें, वक्फ बोर्ड की जमीनें पूरे भारत में जो है वो अलग अलग जगहों पर हैं और वक्फ के अंदर ये जगहें आती हैं जिसमें मदरसे, मस्जिद, कब्रिस्तान और भी चीजें जो है वो वक्फ के अंदर आती हैं, लेकिन अब जो है फाइनली समय आ चुका है, इस तरह के अल्फाज थे गृह मंत्री अमित शाह के। और आगे जब चलते हैं तो उसमें खास तौर पर मेंशन किया गया है कि देखिए कर्नाटक में लोगों से कहा गया कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से नहीं रोक सकता है और जो हमें रोकेगा हम उसे जो है वो देखेंगे कि किन सब शर्तों पर हमें रोका जा रहा है। जिस तरह कर्नाटक की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि वक्फ में जो जमीनें यहां पर इस्तेमाल की जा रही हैं, वक्फ में जो जमीनें हैं वो किसानों की हैं, मंदिरों की हैं और विलेजर्स की जमीनें जो है वो वक्फ के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसी के साथ हेमंत बाबू और राहुल गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो तो कहते हैं कि हमें वक्फ से जमीनें नहीं छुड़वानी, तो जरा राहुल गांधी से पूछिए कि लोगों को क्या जवाब देंगे वो, जरा किसानों से पूछिए जिनकी वक्फ ने जमीन ले ली है आज वो किसान किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, जरा उन मंदिर की जमीनों की ओर ध्यान दीजिए, जरा उन किसानों को पूछिए, जरा उन लोगों को पूछिए जिन्होंने वक्फ के तहत जो है उनकी जमीनें ले ली है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ एक्ट को लेकर कोई हमें नहीं रोक सकता, यानी उन्होंने कहा कि अगली बार जो है हम वक्फ एक्ट जो रेजोल्यूशन पास होने वाला है उसे करवा कर रहेंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, उन्होंने यहां पर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है वो डरने की जरूरत घुसपैठियों को है, यानी आप समझते हैं कि जो बाहर से आए हुए मुसलमान लोग हैं, जिस तरह से बात करते हैं, जो अलग अलग पर्टिकुलर देशों से आए हैं, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो जाएगा तो किस तरह से उन्हें यहां से जिस तरह से बात करते जाना पड़ेगा, तो इसे लेकर भी जो है उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो ओबीसी यानी देखिए इस कैटेगरी का अपोज करते हैं, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ओबीसी से कोई भी जो है वो उनका हक नहीं छीन सकता। तो और ये भी मेंशन किया गया कि ओबीसी जितने भी हैं जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उन लोगों को जो है अच्छा वेल फर्निश्ड जो है वो आगे का भविष्य उनका रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बात भी हुई कि काफी देर से अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और वक्फ बोर्ड को लेकर जो है वो चर्चाएं चल रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके चार पिलर्स हैं, यानी अगर देश का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना है वो इन चार पिलर्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें पुअर यानी गरीब, किसान, युवा और महिलाएं आती है और इन्हीं पिलर्स को लेकर जो है वो आगे जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये आश्वस्त करती है कि अगर झारखंड चुनावों में, कर्नाटक चुनावों में, महाराष्ट्र चुनावों में इनकी जीत होती है तो कांग्रेस ने जितने भी पैसे जो है वो लूटे हैं उनकी जेब से मोदी जी की सरकार वापस निकलवाएगी और वो गरीब जनता में वितरित करेगी। फिलहाल वक्फ बोर्ड को लेकर जो है गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहा वो हमने आपके सामने रखा, आपकी क्या राय से जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।